हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है फ्राइडे शाम का टाइम, और यहाँ हम लोग ना दीदी के घर जा रहे हैं, कुछ काम से जा रहे हैं। और हम लोग निकल ही रहे थे तो अम्मा जी ने बोला कि जा ही रहे हो, तो अम्मा जी की बेटी रहती हैं यहीं पास में ही, तो अम्मा जी वहाँ पर जन्माष्टमी का प्रसाद भिजवा रही हैं। तो हम लोग पहले उन दीदी के यहाँ प्रसाद देंगे, उसके बाद फिर जिया जी के घर जाएंगे। और मैं जिया जी के घर पर आ गई हूँ, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, बारिश भी हुई है, और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। स्पेस तो कमरा बड़ा कमरा है, पंखा है ना, पंखा और मुनमुन आज दिन में मार्केट गई थी, उसी शॉप पे गई थी, मेरी फ्रेंड की शॉप पे, तो वहाँ से दो कुर्ती लेके आई है, एक ये ब्लैक कलर की और एक ये वाइट कलर की, दोनों ही अच्छी कुर्ती है। जो ब्लैक वाली है वो 400 की है, जो वाइट वाली है वो 250 की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही हैं कुर्तियाँ। और मुझे भी आज विदुषी की शॉप पे जाना है, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था कि मुनमुन को भी जाना है, नहीं तो मैं मुनमुन के साथ ही चली जाती, बट कोई नहीं, अभी यहाँ से जो है चली जाऊँगी मैं विदुषी की शॉप पर। ये ले, तेरी चाची ने ऑनलाइन बोला था ना, लिटिल एंजल के पैंट्स के लिए, डायपर के लिए, बोला अच्छे हैं डायपर, मैंने भी टांगी के लिए यूज़ किए हैं, बढ़िया डायपर है, ठीक है। और ये मुनमुन की चाची का बेटा बड़ा क्यूट सा है, बड़ा प्यारा सा है, इसको खिलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये सब बच्चे ना मुनमुन की फैमिली के ही हैं, क्योंकि फैमिली बड़ी है जिया जी की। जिया जी के पापा 4 भाई हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके भी बच्चे। डायपर पहन के अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, रोने लगते हैं बच्चे, और मतलब इरिटेशन सा होता है उनको। लेकिन देखो इस बच्चे को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो रहा है, देखो ये डायपर पहना हुआ है, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो रहा है, और बड़े प्यार से खेल रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि ये पहना हुआ है लिटिल एंजल का प्रीमियर पैंट्स। तो ये है लिटिल एंजल का प्रीमियर पैंट्स, और ये सारे साइजेस में अवेलेबल है। और इसकी खास बात क्या है कि जैसे कि न्यूली मॉम होती हैं या डैड हैं, पापा वगैरह होते हैं घर में, जैसे कि न्यूली मॉम को नहीं पता होता है कि डायपर को किस साइड से पहनाना है, आगे से पहनाना है कि पीछे से पहनाना है, या डैड घर को पहनाना हो, मतलब मॉम घर में काम कर रही हो तो घर में किसी और पर्सन को जो है बच्चे को डायपर पहनाना हो, तो उनको भी मोस्टली जो जेंट्स लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि डायपर, मोस्टली जेंट्स लोग को नहीं पता होता है कि डायपर कैसे पहनाना है, आगे से पहनाना है पीछे से बनाना है, तो उसको बनाने में बच्चे को कोई भी, तो इस डायपर को बच्चे को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फ्रंट, इसमें आगे आगे साइड में फ्रंट लिखा हुआ है, तो फ्रंट लिखा हुआ है इट मीन्स ये वाला पोर्शन इसका आगे रखना है और ये बैक पोर्शन है इसका, तो इसलिए इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है इसको बनाने में। और दूसरा इसका ये है
कि इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें इंडिकेटर मीन्स जैसे कि डायपर जैसे भर जाए बच्चा पॉटी कर ले, जैसे कि बच्चा क्या होता है ना मोस्टली घर में मोम घर में मम्मा काम बच्चे की माँ काम कर रही है या पापा काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें जैसे माँ किचन में खाना बना रही है कोई और काम कर रही है, तो उसे बीच में उठ उठ के डायपर चेक करना पड़ता है, या फिर घर के किसी और सदस्य से बोल रही है डायपर चेक करने के लिए, तो उसे भी खाना छोड़ करके या कोई और काम कर रहे हैं वो छोड़ करके उन्हें बीच में उठना पड़ता है, डायपर चेक करना पड़ता है कि कहीं बच्चे का डायपर फुल तो नहीं हो गया, कहीं बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर ली है, ये सब चेक करना पड़ता है, उन्हें बार बार उठ करके चेक करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ना ये येलो लाइन दी है, तो जब बच्चा पॉटी करेगा या ये डायपर फुल हो जाएगा तो ये जो येलो लाइन है ये ब्लू हो जाएगी, तो आप दूर से देख करके ये बता सकते हो जो बच्चे ने या तो पॉटी कर लिया है या उसका डायपर फुल हो गया, उसका डायपर चेंज करने का टाइम आ गया है, तो आप इजीली उसका डायपर चेंज कर सकते हो। और इसमें अंदर 3D पॉपअप प्लेयर है जो कि बच्चे को सॉफ्टनेस और कंफर्टेबल फील कराता है, बच्चे को रैशेज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कुछ डायपर्स ऐसे होते हैं जो मतलब गीले होते हैं, एक दो बार में ही टॉयलेट करने पे गीले हो जाते हैं, बच्चे को जो है रैशेज़ फील कराते हैं, लीकेज की प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन इसके साथ जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये 12 घंटे तक लीकेज को रोके रखता है और काफ़ी सॉफ्टनेस फील कराता है, कंफर्टेबल भी है, बच्चे को रैशेज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इरिटेशन नहीं होता है उसे, बच्चा आराम से पूरे दिन जो है अपने आप को ड्राई फील करता है। और इसमें 360 डिग्री इलास्टिसिटी है जिससे कि ये बच्चे को पूरी तरीके से अच्छे से फिट हो जाता है, और ये सारे साइजेस में अवेलेबल है, एज के अकॉर्डिंग है। ये अल्ट्रा सॉफ्ट मटेरियल है जो कि बच्चे के लिए काफी सॉफ्ट है, काफी कंफर्टेबल है। और फ्रेंड्स, मैंने भी अपने बच्चे को लिटिल एंजल के प्रीमियर पैंट्स पहनाए हैं, मेरे भतीजे भतीजी भी लिटिल एंजल के प्रीमियर पैंट्स को यूज करते हैं, तो आप भी अपने बच्चे के लिए लिटिल एंजल प्रीमियर पैंट्स यूज कीजिए ताकि आपका बच्चा जो कंफर्टेबल रहे, सॉफ्ट फील करे और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन मंगवाइए लिटिल एंजल प्रीमियर पैंट्स और अपने बच्चे को कंफर्टेबल फील कराइए और वेटनेस से फ्री रखिए। और अभी यहाँ पर हम लोगों की ऐसी ही बातचीत चल रही है, और दीदी बोल रही थी कि तांशु की मस्ती मैंने देखी, तांशु कैसे एक्टिंग कर रहे हैं वीडियो में, तो दीदी बोल रही तांशु एक बार फिर से करके दिखा दे, बड़ी अच्छी लगती है तुम्हारी ये एक्टिंग। और तांशु को देख करके श्रद्धा भी करने लगी है, भाई बच्चों को बच्चों के साथ ही मज़ा आता है, तांशु भी ना यहाँ आ करके बड़े खुश रहते हैं। और जिया जी भी घर पर आ गए, उस तो आए हुए थोड़ी सी देर हो गई, बैठ के बातें करते रहे थे जिया जी से, और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और अभी तो मुझे विदुषी की शॉप पे भी जाना है, और रात हो गई, अंधेरा हो गया है, और दीदी की गैली कीली हो रही थी क्योंकि बूंदाबांदी चलती रही है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बाहर निकलने में, बड़े आराम आराम से पैर रख करके आई हूँ कि कहीं पैर फिसल ना जाए। और अभी मैं पहुंच गई अपनी फ्रेंड विदुषी की शॉप पर, UP86 फैशन स्टूडियो पे, क्योंकि मुझे अपना एक सूट चेंज करना है, अभी रक्षाबंधन से पहले मैं यहाँ से एक सूट लेके गई थी, लेकिन जब मैंने घर पहन करके देखा, वैसे तो यहाँ भी ट्रायल रूम है बट मैंने यहाँ पहन के नहीं देखा, मैंने कहा फिट ही आएगा, लेकिन घर पहन करके देखा तो वो फिट नहीं आया, सूट तो अच्छा था बट फिट ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कहा चेंज ही कर देती हूँ। और रक्षाबंधन से अब तो कितना टाइम हो गया, टाइम ही नहीं मिला, पहले वहाँ घर पे रही, फिर उसके बाद यहाँ आकर जन्माष्टमी की तैयारियाँ, फिर अब आई हूँ। वैसे मैंने पहले ही बोल दिया था विदुषी से कि सूट मेरे फिट नहीं आया तो मुझे चेंज करना है, तो विदुषी ने बोला था कि आप आराम से चेंज कर जाना जब टाइम मिले, सो आज टाइम मिला तो मैं चेंज करने आई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ इस सूट की जगह एक साड़ी ले ले रही हूँ, और विदुषी ने मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाई हैं, ऑर्गेंजा में, चुनरी प्रिंट में, बनारसी सिल्क, कॉटन में, बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न में कई सारी साड़ियाँ दिखाई हैं, तो फिर मैंने जो सेलेक्ट की है सबसे ऊपर ग्रीन कलर की बनारसी पैटर्न में साड़ी रखी हुई है, फिर मैंने वो ली है। बाद फिर हम ये आए हैं भोले जी मेडिकल स्टोर की शॉप पे, मेडिसिन और झंडू बाम लेने के लिए, और ये मेरे नंदोई जी के बड़े भाई की शॉप है।
अरे वो तो कह रहा है एक्टर बनाओ। मैं बोल रहा एक्टर बनूंगा। चलो आए चलो दो चीज खाऊंगा उसको, मैं कहीं ज्यादा खाऊंगा। देखो अगर तीन है पति, अगर तो ट्रैक्टर वाले तो पति कैसे मारेगा, ऐसे ऐसे पति मारे खेत में चला है फुल टेंशन में। देखो पति बड़ा सिखा दे फिर बच्चा काम तो तू तुम ही है काम तो बच्चा काम के चक्कर में मुझ पर अभी बड़ा हंस निकाल रहे हैं लगे हो गला लगी हो ना सर अजू हर में से गला लगी है मैं ऐसे ही है। अगर कोई लाभ पड़ रहा है ना तो लो मैंने को नहीं जल्दी तो मैं आज रात में सर को ऐसे चक्कर में मारना चाह रहे हो। वो ये क्या हो गया यार, वो मम्मी का बॉडी गार्ड आई भागो तुम्हारा बॉडी तो इन वीक पॉइंट को अटैक करके तुम कभी बच सकते हो। जैसे अगर तुम्हें किसी ने पकड़ रखा है तो तुम आराम से उसकी आंखों को अंगूठे से दबा सकते हो, भाग जाओ आराम से। या फिर तुम्हें पकड़ रखा है मान लो तुम पंच कर सकते हो आराम से, ठीक है, नहीं अटैक कर सकते हो। कोई तुम ऐसे मान तुम जा रही हो इसमें हाथ रख दिया करने लगे तो तुम कैसे बचोगे। तुम जा रहे हो कभी तो क्या होता हाथ पकड़ लेते लोग अब तुम बचना कैसे, तुम जरा मैं उसे दिखाऊंगा। मैं लड़की हूँ ना, जा रहे पकड़ लिया ना हाथ, ये पोजीशन लेनी है, हाथ पकड़ना है, हाथ पकड़ना है, झटका मार दो बस। तुम हाथ पकड़े तो हाथ हमारा फ्री है, एक पंच पड़ जाएगा अटैक हो जाएगा, बच जाएगा। दोनों हाथ पकड़ ले तो दोनों पकड़ लो तो दोनों ऐसे पे आगे जाके दोनों को पकड़े जाएंगे, दोनों ऐसे ऐसे पकड़े जाएंगे, दोनों पकड़ जाएंगे ऐसे नहीं पकड़ेगा, एक ही पकड़ेगा। यहाँ तो मैं वो ऐसे पकड़ेगा पीछे से, ये गिर पड़ेगा। तुम दरी हो ना, तुम्हारा एक सिर ये पीछे मारा जाता है तारा से, ये पड़ता नाक पे इस तरीके से, और पीछे से तो चिप पड़ती है वाली ये, ठीक है, इतना ही बहुत है बस। खींचोगी मुझे वहां पे पहले इतना हाथ से पकड़ना है इस तरीके से, उसके बाद फोल्ड करना है, अब फिर मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरे बालों में दर्द ना हो, इसलिए मुझे पहले बाल स्ट्रेट करने हैं अपने, उसके बाद अटैक करना है, ठीक है, इतना ही बहुत है। ऐसे सिखाऊंगा तो मेरी डेंजर हो जाएगा। आज बड़ा निकाल दिया आपने मेरे ऊपर,
सेल्फ डिफेंस सिखा देंगे, बड़े मजा आ गया, सुकून दिल को सुकून मिला दीदी को। चलो फ्रेंड्स, ये तो सब मस्ती मजाक चल रहा था हमारा, तो मेन तो पॉइंट ये था कि सेल्फ डिफेंस के कुछ पॉइंट्स जो ये सीख के आए हैं, मैंने कहा मुझे भी सिखाओ, तांशु को भी सिखाना। मैंने कहा जब हम दोनों सीख ही रहे हैं इनको, इन्होंने भी ये सेल्फ डिफेंस के कुछ पॉइंट सीख करके आए हैं वहां से ट्रेनिंग में, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाए, ताकि आप लोग जो वुमेन है, लड़कियां, वो अपनी सेफ्टी का, वुमेन और लड़कियां क्या आजकल तो लड़कों के साथ भी, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हो जाता है, लड़कों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी से लड़ सकती है, कभी भी लड़ सकती है। तो नहीं, सेल्फ डिफेंस की जरूरत तो सबको ही होती है, खाली लड़कियों को नहीं होती, लड़कों को भी पड़ जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे तांशु है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ जाती है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये सब चीज सीख के आए हैं, उन्होंने तांशु को बताया भी है। तो लेकिन गुड टच बैड टच देखो, वैसे यूट्यूब पे तो बताना सही नहीं होगा, बट फिर भी ये कि सेल्फ डिफेंस तो क्या सबको आना चाहिए, अपनी सेफ्टी रखना सबको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी ले लेते हैं आप लोगों से विदा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।